जाएंगे। राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद, राज्य के उद्देश्य और सभी लोग लिखते जाइए, राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में यह है आपका आचरण। इस टॉपिक में हमें समझना है कि राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवादियों का सदैव ही या सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा, अर्थात इनका उदारवादियों का राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। क्या रहा है? अलग अलग दृष्टिकोण रहा है और इस संबंध में उसकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती है। किसके अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार उनकी विचारधारा बदलती रही और या फिर विकसित होती रही। इस संबंध में उदारवाद के प्रमुख रूप से दो रूप बदलाए गए, जिसमें एक तो परंपरागत उदारवाद कह सकते हैं, लिख लेंगे सभी, उदारवाद के प्रमुख दो रूप बताए गए। कितने बताए गए? प्रमुख दो रूप बताए गए हैं। एक तो होता परंपरागत है आपका आधुनिक जनतंत्रात्मक, आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद और ऐसा कह सकते कि क्या नाम से सबसे पहले परंपरागत उदारवाद के बारे में समझें। तो परंपरागत उदारवाद मूल रूप में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन से माना जाता है। स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो उदारवाद से रिलेटेड कुछ मूल सिद्धांत बताए गए, जो कि आपको सिद्धांत लिखना है, उदारवाद से संबंधित जो सिद्धांत बताए गए उन सिद्धांतों को लिखना है। सिद्धांतों को लिखना है नंबर एक। सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के बाद वित्तीय स्वतंत्रता। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्य
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता इसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता। इसके बाद है जाति। क्या नेक्स्ट है जाति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता और इसके बाद है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता इस प्रकार से परंपरागत उदारवाद से सिद्धांत रहे तो वो स्वतंत्रता पर आधारित रहे जैसे नागरिक स्वतंत्रता वित्तीय स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता पारिवारिक स्वतंत्रता जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता इत्यादि। ये सब जो है राज्य के उद्देश्य और कार्य के संबंध में उदारवाद दो भागों में बटा हुआ था दो रूपों में था जिसमें परंपरावाद कालवाद के सिद्धांतों को आपने समझा है ठीक है। बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स।